like a Hellcat. Hello guys, assalamu alaikum, this is Ahmed Hussain. I hope you all are doing good and I am also good. आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है फिशिंग के हवाले से. आप अगर चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो है ये वीडियो आपको एंड तक देखनी है, इसका कोई भी पार्ट आपको मिस नहीं करना क्योंकि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है. आप बहुत कीमती वक्त निकाल के जो है वो फिशिंग पे जाते हैं और आपको शिकार नहीं लगता. इंशाल्लाह ये वीडियो देखें, ये टेक्निक सीखें, आपको जो है ज़रूर शिकार होगा. आपने सुना होगा या आपने कभी कहा होगा कि शिकार जो है वो नसीब का है, तो इसका मतलब यही है कि आप जो है उस दिन कितने लकी हैं. तो एक्चुअली जो है वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि शिकार जो है वो नसीब का है, लेकिन जो है मैं इसमें मानता हूँ कि शिकार के साथ जो है वो टेक्निक का भी होना ज़रूरी है. तो टेक्निक और प्लस नसीब, ये दोनों मिलके काम करते हैं. तो आए देखें ये वीडियो और फिर इंशाल्लाह जो है उस टेक्निक से जो है आप ये सीखें और इसको जो है अपने शिकार पर अप्लाई करें तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा. वीडियो स्टार्ट करते हैं बांग से. उर्दू में जो है बांग कहा जाता है और इंग्लिश का नाम है नेप्टाइड्स. बांग की मुख्तसर डेफिनेशन ये है कि बांग में पानी का फ्लो यानी करंट जो है वो स्लो होता है और पानी का राइजिंग लेवल भी कम होता है. तो मेजॉरिटी शिकारी जो है बांग में ओपन सी और किनारे पे शिकार करना पसंद नहीं करते क्योंकि बांग में मछली लगती है लेकिन कम लगती है. तो आपको मैं बताता हूँ कि आपको किस तरीके से पता चलेगा कि आप बांग किस तरह से चेक कर सकते हैं. तो आपके सामने आ रहा होगा 15 मार्च से लेकर 15 अक्टूबर, इसका मतलब जो है वो गर्मियों में और मून डेट्स में, मतलब इस्लामी तारीख कैलेंडर जो होते हैं उस हिसाब से जो है वो आप देख सकते हैं. 6 से 9 और 20 से 23 ये बांग होते हैं गर्मियों में. इसके अलावा सर्दियों में जो है 15 अक्टूबर से लेके 15 मार्च मून डेट्स में, मतलब इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से 5 से 9 और 19 से 24 इन दिनों में जो है वो बांग होता है. अच्छा, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि बांग में जब शिकार होता नहीं है तो मैं आपको इसके बारे में क्यों बता रहा हूँ. तो ऐसा नहीं है कि बांग में शिकार नहीं होता, लेकिन आपको उसकी सही लोकेशन पर जाना पड़ता है और उसकी सही लोकेशन जो है वो मैंग्रूव होती है. मैंग्रूव को जो है वो समंदरी जंगलात, तीमर के जंगलात भी कहा जाता है. तो आप जब भी मैंग्रूव में फ़िशिंग के लिए जाएँ बांग के अंदर, तो आपको जो है वहाँ पर चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आप मछली को पकड़ सकें बनिस्बत जवार के. वहाँ पे जवार में इतना अच्छा गेम नहीं होता जितना मैंग्रूव में बांग के अंदर गेम अच्छा होता है. मैंग्रूव का सीज़न स्टार्ट हो चुका है. मई, जून, जुलाई, अगस्त ये आपके मैंग्रूव के सीज़न होंगे क्योंकि इसमें जो है वो आप ओपन सी तो जा नहीं सकते, पानी रफ हो जाता है. तो बांग का जो है ख्याल रखिएगा जब भी मैंग्रूव का प्रोग्राम बने और कोशिश कीजिएगा कि बांग में ही आपका मैंग्रूव का प्रोग्राम हो. तो बांग में जाना जो है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है बनिस्बत जवार के, मैंग्रूव के अंदर. चलें अब चलते हैं जवार की तरफ. जवार जो है वो उर्दू में कहा जाता है और इंग्लिश नाम है स्प्रिंग टाइड्स. जवार बांग से बिल्कुल अपोजिट है. इसमें पानी का करंट तेज़ हो जाता है और पानी का राइजिंग लेवल भी बढ़ जाता है जिसकी वजह से किनारे पर और ओपन सी में शिकारी जाना पसंद करते हैं और जवार में मछली भी ज़्यादा लगती है. किस तरीके से पता चलेगा कि जवार किन तारीखों में चलता है तो मैं आपको बताता हूँ कि 15 मार्च से लेकर 15 अक्टूबर यानी गर्मियों के अंदर मून डेट्स इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से 10 से लेकर 19 तारीख तक जवार रहता है और फिर 24 से लेकर 5 तारीख तक जवार रहता है. फिर इसी तरह सर्दियों में 15 अक्टूबर से लेकर 15 मार्च मून डेट्स यानी इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से 10 से लेके 18 तक जो है वो जवार रहता है. इसके अलावा 25 से लेके 4 तारीख तक जवार रहता है. तो जवार में जो है वो मैंग्रूव में गेम अच्छा क्यों नहीं होता, उसकी वजह ये है कि जो पानी के अंदर जो ज़मीन होती है वो मिट्टी वाली होती है, कीचड़ वाली होती है. तो जब जवार में जो है पानी तेज़ हो जाता है और करंट बढ़ जाता है तो इस वजह से मिट्टी वाला पानी हो जाता है. तो मिट्टी वाले पानी में जो है वो क्वालिटी फिश जो है वो वहाँ से जो है वो चले जाती है और जो है वो साफ़ पानी ढूंढती है. इसके अलावा जो है मिट्टी वाले पानी में फिर आपको खग्गा लगना स्टार्ट हो जाता है जिसे हम कैट फिश कहते हैं.
अब चलते हैं अपने सेकंड टॉपिक की तरफ, हाई टाइड्स और लो टाइड्स। हाई टाइड्स और लो टाइड्स आप जो है वो चेक कर सकते हैं टाइड्स फॉर फिशिंग वेबसाइट के ऊपर। इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तो एक ये बहुत ज़बरदस्त वेबसाइट है, इस पे जो है वो तमाम फ़िशिंग अपडेट्स आती हैं कि आपको किस वेदर में जो है वो फ़िशिंग करना चाहिए, हाई टाइड्स लो टाइड्स, और इसके अलावा जो है किस टाइमिंग में जो है वो मछली जो है वो बाइट करेगी। ये सारी चीज़ें जो है वो इस वेबसाइट पे बहुत ही डिटेल के अंदर जो है वो आप इसमें जो है वो सर्च कर सकते हैं। तो मैं तो जो है वो यही वेबसाइट यूज़ करता हूँ, तो आपको भी मैं ये सजेस्ट यही करूँगा कि आप भी यही वेबसाइट यूज़ करें। तो इस वेबसाइट में चलें देखते हैं कि जो है वो सबसे पहले जो है वो मैं क्या चेक करता हूँ फ़िशिंग पे जाने के लिए। तो आपको जो है वो ये पॉइंट्स दिख रहे होंगे, जनरल फ़िशिंग कंडीशन में वेरी गुड, गुड, पुअर। तो इसमें जो है ये अभी बता रहे हैं कि बहुत ही वेरी गुड जो है वो फ़िशिंग कंडीशन चलनी है। अब जो है हम लोग नीचे चलते हैं और नीचे जाके जो है वो एक ग्राफ आएगा जिसमें हमें पता चलेगा कि हमें मेजॉरिटी जो है वो फ़िश बाइट कब मिलेगी। तो ये टेबल आ चुका है आपके सामने। तो इसमें जो है वो आज के दिन का हाई टाइड और लो टाइड का भी बता रहा है और मछली किस टाइम पर आएगी उसका भी आपको जो है वो बता रहा है। आप देख सकते हैं स्क्रीन में आपको जो है वो 6 जो है वो मछलियाँ बनी हुई नज़र आ रही होंगी, इसके अलावा 2 नज़र आ रही हैं। तो जहाँ पे 6 बनी हुई हैं इसका मतलब इसके बिल्कुल नीचे देखें टाइम भी लिखा हुआ है। तो इस टाइम में जो है वो मछली की एक्टिविटी ज़्यादा रहेगी और जहाँ पे 2 बनी हुई हैं वहाँ पे जो है कम रहेगी और जहाँ नहीं बनी वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होगी। तो जो है वो मोस्टली जो है वो ये ग्राफ जो है वो काम कर जाता है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि जो है वो आपको इसी ग्राफ को जो है फॉलो करना है। अच्छा, इसके अलावा जो है आपको जो है ब्लू राइटिंग में जो है वो टाइमिंग दिख रही होंगी, ब्लू राइटिंग से लेके रेड राइटिंग तक जो वेव जा रही है इसका मतलब है पानी जो है वो उतर रहा है, लो टाइड है। और इसके बाद जो है रेड राइटिंग से जो टाइमिंग लिखी हुई है इसके बाद जो है वो ब्लू राइटिंग तक जहाँ तक वो वेव जा रही है इसका मतलब पानी चढ़ रहा है। तो आपको जो है वो ये रखना है जहन में कि ब्लू से लेके रेड तक जो है वो पानी उतरना है और रेड से लेके ब्लू तक जो है वो पानी चढ़ने का टाइम है। तो आपको जो है वो ज़्यादातर जो है वो चढ़ाव के टाइम पे जो है वो मछली बाइट करती है, लेकिन जो है वो अभी ये ग्राफ जो बता रहा है वो ये बता रहा है कि मछली जो है वो आज उतार के टाइम पर आएगी। तो आपको जो है वो इस ग्राफ से ये भी फ़ायदा होता है। तो आप जब भी जो है वो फ़िशिंग के लिए जाएँ तो इस ग्राफ को ज़रूर देख लें। बाकी इसके अलावा जो है मैं आपको मज़ीद जो है वो बताता हूँ कि इस वेबसाइट में जो है वो आप क्या क्या देख सकते हैं। तो इसके लिए जो है हमें अब नीचे चलना पड़ेगा वेबसाइट में। तो अब जो है हम इसमें चेक करेंगे टेबल, जो कि पूरे मंथ का टेबल होता है। इसमें जो है आपको ये टेबल आ गया जैसे कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये पूरे मंथ का टेबल है। इसमें जो है वो आप सारी जो है वो फ़िशिंग कंडीशंस देख सकते हैं। इसमें आप मून का शेप देख सकते हैं, इसमें जो है वो आप सोलनार एक्टिविटी देख सकते हैं कि मछली जो है वो आज के दिन, कल के दिन, परसों के दिन, कोई सा भी दिन जो है वो उसमें कैसी उसकी एक्टिविटी रहेगी। और जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि आपको रेड राइटिंग से जो है ब्लू राइटिंग पे आएंगे तो इसका मतलब है कि पानी रेड लाइन से ब्लू की तरफ चढ़ रहा है और ब्लू राइटिंग से लेके रेड राइटिंग तक आपका जो है पानी उतर रहा है। तो आप इसमें जो है वो किसी भी दिन अगर जा रहे हैं, 1 हफ्ते बाद जा रहे हैं, 2 हफ्ते बाद जा रहे हैं, तो आप इजीली जो है वो इसको चेक कर सकते हैं और उसकी फ़िश बाइट्स को भी चेक कर सकते हैं कि आज जो है वो हाई है या एवरेज है या लो है या वेरी हाई है। तो इससे भी जो है वो काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और आपने शायद बुज़ुर्गों की बातें सुनी होंगी कि जो है वो लोग चांद की तारीखों के हिसाब से शिकार करते थे और बहुत ज़बरदस्त शिकार करते थे। तो इसमें जो है वो मून्स के सारे शेप हैं और उसके सामने जो है आप देख सकते हैं कि फ़िश की जो है वो 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, 1 पॉइंट्स आ रहे हैं। तो आप वो उन कंडीशंस को देखते हुए, मून की शेप देखते हुए जो है वो फ़िश जो है वो उस हिसाब से जो है वो स्ट्राइक करती है, बाइट करती है। पहले तो जो है वो ये टेक्नोलॉजी होती नहीं थी तो लोग जो है वो चांद के हिसाब से ही जाते थे शिकार के ऊपर, लेकिन जो है अब टेक्नोलॉजी आ गई है तो उसका हमें इस्तेमाल भी करना चाहिए। तो आप जो है वो इस टेबल को अच्छी तरीके से जो है वो पढ़ें। बाकी अगर आप इसमें जो है कुछ अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट्स में या फिर फेसबुक पे मुझसे रابطہ कर सकते हैं, तो मैं आपको जो है वो गाइड कर दूंगा। तो चलिए नीचे देखते हैं
कि पूरे मंथ में जो है, जैसे कि ये आपके सामने जो है वो वेरी हाई की जो है वो बार आ रही है, कि तीन जो है वो उसमें फिशेस बनी हुई हैं, बाकी ये एवरेज भी आ रही है, लो भी आ रही है। तो इस तरीके से जो है वो आप देख सकते हैं पूरे मंथ की जो है वो प्रिडिक्शन। अब चलते हैं इस वेबसाइट के सबसे ज़बरदस्त फीचर की तरफ, द बेस्ट टाइम ऑफ डे फॉर फिशिंग आर। इसमें जो है वो आपको चार टाइमिंग शो हो रही हैं, ये टाइमिंग आपको नोट करनी है, और इसमें से जो भी आप को टाइमिंग जो है वो शिकार पे मिलती है, उस वक्त आपको जो है अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, तफरीहों में या आराम करके आपको उस टाइम पे शिकार करना है। और ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जब भी मैंने जो है वो इन टाइमों पे शिकार किया है, तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह शिकार हुआ है। तो इसी वजह से जो है वो मैं आपको ताकीद करता हूँ कि इस टाइमिंग पे जो है वो आप ज़रूर शिकार जो है वो आपको करना है। अच्छा, ये आप जो है वो ऑन डेट भी चेक कर सकते हैं इस टेबल को, और अगर आपको कल या परसों या एक हफ़्ते बाद जाना है, तो आप देखें स्क्रीन के ऊपर जो है वो कराची लिखा हुआ है, एशिया पाकिस्तान कराची, उसके नीचे जो है वो एक कैलेंडर बना हुआ है, उस कैलेंडर को ओपन करें और जिस दिन भी आपको जाना है उस दिन को जो है उस तारीख को सिलेक्ट करें, और जो है उस पे जो है वो इजीली जाके जो है वो इस आप जो है द बेस्ट टाइम ऑफ डे फॉर फिशिंग आर को जो है वो चेक कर सकते हैं। लेकिन जो है वो अगर मैं आपको सजेशन दूँ तो आप जो है वो ऑन डेट ही चेक करें, क्योंकि जो है वो एक्टिविटीज़ और जो है वो प्रिडिक्शन जो है वो डेली बेसिस पे जो है वो चेंज हो रही होती हैं। चलते हैं अपने थर्ड टॉपिक की तरफ, विंड आपको किस तरीके से चेक करनी है और कैसी विंड होनी चाहिए आइडियल शिकार के लिए। तो सबसे पहले जो है हम वेबसाइट पे जाएंगे विंड फाइंडर, आपको इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले जो है आपको दिख रहा होगा फाइंड स्पॉट और वेदर स्टेशन, आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें आपको जो है वो कराची के अंदर दो आपको पॉइंट मिलेंगे, एक मुबारक विलेज है और एक जिन्ना टर्मिनल के नाम से। तो आप मैंने जो है वो मुबारक विलेज सेलेक्ट किया है। अब चेक करते हैं कि आपको विंड चेक किस तरीके से करनी है। तो सबसे पहले जो है वो आपको दिन दिख रहा होगा, 1 मई है, फ्राइडे का दिन है, इसमें लोकल टाइम आ रहा है, विंड डायरेक्शन आ रही है, विंड स्पीड आ रही है नॉट्स के हिसाब से। तो आप देख सकते हैं लोकल टाइम में रात के 2 बजे जो है वो 10 स्पीड है, इसके अलावा सुबह के 5 बजे 10 स्पीड है, फिर जो है वो 8 बजे सुबह के 11 स्पीड है, फिर दोपहर के 11 बजे जो है वो 13 स्पीड है, फिर दोपहर में 2 बजे 14 स्पीड है, फिर 5 बजे शाम में 15 स्पीड है, फिर 8 बजे 14 स्पीड है, फिर रात में 11 बजे 13 स्पीड है। इसमें से कोई सी भी नॉट की स्पीड जो है वो आइडियल नहीं है, ख़ास तौर में न्यू बिगनर्स के लिए। जो एक्सपीरियंस शिकारी हैं जिनको सी सिकनेस नहीं होती और आइडिया है कि किस तरीके से जो है वो समंदर में आपको इतनी हवा में सरवाइव करना है, वो तो जा सकते हैं। चलें नीचे देखते हैं कि कोई हमें ऐसा दिन मिल जाए जिसमें जो है वो आइडियल हवाओं में आपको बता सकूं। इसमें जो है वो 9 दिन तक की प्रेडिक्शन आती है विंड की, तो अफसोस के साथ जो है वो बताना पड़ रहा है कि इसमें कोई भी ऐसा दिन नहीं है कि जिसमें जो है वो विंड बेहतर हो जाने के लिए। ये एक मुझे पुराना स्क्रीनशॉट मिला है, इसमें जो है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 2 नॉट है, 1 नॉट है, 3 नॉट है, 7 नॉट है, 6 नॉट जो है वो विंड है, फिर उसके बाद जो है वो 10 नॉट है, फिर 4 नॉट है, फिर 5 नॉट है। तो जो है वो ये वाली विंड जो है बहुत ही आइडियल होती है किनारे के फिशिंग के लिए भी और ओपन सी के फिशिंग के लिए भी। इन शॉर्ट जो है वो आइडियल जो विंड की नॉट्स हैं वो 1 से लेके 9 तक की हैं, फिर उसके बाद जो है 10, 11, 12 जो है वो उसमें परेशानी कम होती है, लेकिन 12 के बाद जो है फिर वो परेशानी बढ़ जाती है। तो उसमें जो है वो आपको किनारे के अंदर भी परेशानी होती है और बोट के अंदर ही परेशानी होती है। तो किनारे पे भी जो है वो पानी के अंदर खराबा लगने के चांस होते हैं और ओपन सी में भी खराबा लगने के चांस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा जो है वो ओपन सी में वर्म के भी जो है वो चांस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो सी सिकनेस हो सकती है। तो जो भी है न्यू बिगनर्स हैं उनके लिए यही सजेशन है कि आप कम विंड देख के जो है अपना प्लान डिसाइड करें, और किनारे पे अगर फिशिंग कर रहे हैं तो ये तीनों मेथड को जो है वो अपने जहन में रखते हुए उस पर जो है वो अमल करें, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो है वो आपको शिकार बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अगर यहाँ तक आपने देख लिया तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा।
अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।